के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दो दिवसीय दौरे पर हैं और दो दिवसीय दौरे पर गोवर्धन आए हुए हैं, जहां आज गोवर्धन दानघाटी मंदिर पहुंचे और गिरिराज महाराज का दुग्ध अभिषेक किया गया। कि बगला मुखी के दर्शन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधि विधान से पूजा अर्चना किया है और अपने दो दिवसीय दौरे पर मथुरा पर हैं और उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी बगला मुखी मंदिर में तकरीबन 15 मिनट रुके और मंदिर पहुंचने पर भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने उनका भव्य तरीके से स्वागत किया है। आस्था श्रद्धा का स्थान गोवर्धन भगवान की पूजा करना, उनकी पास आना अपने आप में बहुत सौभाग्य की बात है। मैं राज्य का देवभूमि उत्तराखंड का मुख्य सेवक हूँ, मुख्य सेवक के नाते गोवर्धन भगवान से प्रार्थना करूंगा कि भगवान जो है प्रदेश की खुशहाली हो, हर प्रकार से तरक्की हो। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो उत्तराखंड के बारे में कहा है कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, भगवान की कृपा से हमारा मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड का दशक हर प्रकार से हो। राम मंदिर बन रहा है, ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही गौरव की बात है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमको उस पल का साक्षी होने का अवसर मिल रहा है जब भगवान फिर से अपनी जन्मभूमि में भव्य दिव्य मंदिर में फिर से विराजमान हो रहे हैं। राम जी मंदिर में आ रहे हैं और राहुल गांधी न्याय यात्रा शुरू कर रहे हैं। देखिए, वो लोग कभी भी मंदिर के पक्ष में नहीं थे। भगवान राम का मंदिर बने उसके लिए उन्होंने हर संभव ये प्रयास किया कि उसको रोका जाए, कभी कोर्ट कचहरी में अटकाने का प्रयास किया, जो हथकंडे थे वो सारे अपनाए हैं। इसलिए पूरे भारत के सारे राम भक्त जानते हैं कि उनकी पार्टी और वो किस प्रकार का विचार रखते हैं। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट।